गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि केस में आज अहम सुनवाई होने वाली है। ऐसी संभावना है कि आज यानी 28 जून को अदालत कुछ अहम फैसला ले सकती है। अदालत ने पिछली सुनवाई में 28 जून को केस क्लोज करने की बात कही थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आज बुधवार को बड़ा फैसला आ सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आज तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई होने वाली है। 26 अप्रैल को ये केस दाखिल किया गया था, जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने 28 जून को केस क्लोज करने की बात कही थी, जिसके बाद अब ये संभावना जताई जा रही है कि इस केस की दिशा को लेकर आज निर्णय सामने आ सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने एक बयान को लेकर विवाद से घिरे हुए हैं। बयानबाजी करने के दौरान उनके बोल बिगड़ने का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मार्च महीने में विधानसभा परिसर में दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मेहुल चौकसी पर बोलते हुए गुजराती ठग शब्द का इस्तेमाल किया, जो पूरे गुजरात के लोगों का अपमान है। अहमदाबाद के ही सामाजिक कार्यकर्ता हरीश मेहता ने ये आरोप लगाया और केस दर्ज कराया था। इस मामले में अदालत में लगातार सुनवाई की जा रही है। बताते चले कि कोर्ट ने तेजस्वी यादव के बयान की सीढ़ी मांगी थी। पिछली सुनवाई में गवाहों को एक बार फिर से पेश कराया गया था। शुक्रवार को अदालत में याचिकाकर्ता ने 5 गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जिनका बयान दर्ज किया गया। मानहानि के आरोप कितने मजबूत है इसे देखा गया है। वहीं इस मामले पर आज बुधवार को दोपहर में अदालत की सुनवाई शुरू होने वाली है। अदालत आज तय कर सकती है कि क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं वो मानहानि का केस चलाने के लिए पर्याप्त है। इस मामले में तेजस्वी यादव को समन करना उचित होगा या नहीं, इस पर अदालत फैसला ले सकती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।